the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again all right guys talking about right bundle branch block yeah bundle branch block heart kendra honevali heart sipu mariyee diske barame apko shadni सो so, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें के सी हार्ट के अंदर एक नेटवर्क है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिसमें पूरे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो हार्ट के अंदर एक जनरेट होता है एक जगह से वो कंडक्ट होता है और हार्ट पंप करता है लगातार ऐसा स्टिमुलेशन जनरेट होता रहता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जिसको कहते हैं ट्रैवल करते हैं आपके हार्ट में उसका एक नॉर्मल पाथवे है राइट right साइड के हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में एक ऐसे नोड होता है वहाँ से आता है ए नोड ए नोड से बंडल ऑफ जो हिज उससे परकिंजी फाइबर्स और हार्ट के मसल सब में चला जाता है ठीक so, है सो जो बंडल ऑफ हिज है वहां पे दो बंडल है राइट right और लेफ्ट एक राइट right साइड के हाथ में जाता है एक लेफ्ट साइड के हार्ट में जाता है सो so, जब एक राइट right साइड के अंदर जाने में अगर मान लो कहीं स्लो कंडक्शन है कंडक्शन स्लो है स्लो हो गया या नहीं जा रहा द हार्ट डज नॉट वेट दिल आपके लिए इंतजार नहीं करेगा अगर आप लेट आ रहे हो वो धड़क जाएगा तो अगर राइट right साइड में इंपल्स स्लो जा रहा है ना तो वो लेफ्ट साइड से जाके वापस आ जाएगा राइट right साइड में वाई दिस इज बिकॉज हार्ट का जो मसल है अपने आप में मसल इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कंडक्ट कर सकता है इट इज अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स बिकॉज ऑफ दैट जब राइट right साइड का बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है पाथवे में तो वो लेफ्ट साइड से मसल में जाके इधर आ जाता है जब तक राइट साइड धड़का पाए धड़क जाता है सो दैट इज कॉल्ड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इससे नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हर प्रकार का बंडल एक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी हो सकता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक इज मोर डेंजरस देन राइट बंडल ब्रांच राइट बंडल लेफ्ट बंडल बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल इज योर मेन वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल राइट लेफ्ट हार्ट का हिस्सा वो मेन हिस्सा है जो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है वो स्लो हो जाना वहां पे गड़बड़ी होना एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है और वहां पर ये एक बीमारी के वजह से मेजर बीमारियों के वजह से अटैक अटैक के वजह से भी हो सकता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक सो दैट कैन मेक इट हार्डर समटाइम्स कि हार्ट आपके पूरी बॉडी में सही तरीके से ब्लड पंप कर सके लेफ्ट वाले में राइट right वाले में उतना प्रॉब्लम नहीं होता नाउ यहां पर जैसा हमने कहा राइट साइड में लेफ्ट साइड में दोनों चेंबर्स में प्रॉब्लम हो सकती है बंडल ब्रांच ब्लॉक को अपने आप में कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो इसको अपने आप में कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती बिकॉज ये बिल्कुल ऐसा है कि कमरे में आपके चार लाइटें हैं एलईडी लाइटें सबकी चार चार पांच पांच एलईडी अब एक ट्यूबलाइट का जमाना गया लाइटें लगती हैं दस दस पांच पांच सो so, अगर 10 लाइट में से एक बंद हो जाए तो अंधेरा नहीं हो जाता पता भी नहीं चलता कुछ नहीं होता नो फर्क पड़ता बस एक बत्ती नहीं जल रही है वैसे ही अगर चार में से एक ना चले तो बाकी की लाइट जला देती सेम वे हार्ट के इसमें ऐसा होता है एक बंडल ब्रांच अगर ब्लॉक हो गई है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स दूसरी जगह से आ जाएगी नो प्रॉब्लम राइट तो ऐसा हो जाता है राइट सो बंडल ब्रांच माइट नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट बट ट्रीटमेंट कब लगती है जब बंडल ब्रांच ब्लॉक किसी हार्ट की कंडीशन के साथ एसोसिएट बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर हार्ट की कंडीशन किसी मान लो हार्ट अटैक के साथ एसोसिएट है हार्ट फैलने के साथ एसोसिएटेड है तो उस कंडीशन को हार्ट अटैक को हार्ट फैलने को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है सो so, सबसे डेंजरस चीज अगर आप समझे नॉर्मली बंडल ब्रांच ब्लॉक का कोई सिम्टम नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं होती अकेले हो अगर कई लोगों में सिर्फ बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है राइट बंडल ब्रांच कुछ नहीं करना लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक जांच करो क्यों हुआ राइट right? राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर नहीं पता है क्यों क्यों हुआ क्या नहीं हुआ तो रिस्क हो सकता है अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम हो नंबर वन एंड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिंकोप चक्कर आना अगर आपको चक्कर आया या ऐसा लगा प्री सिंकोप फीलिंग हुई कि आप गिरने वाले हो तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है तो ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाके मिलोगे खासकर अगर आपको किसी प्रकार का रिस्क फैक्टर है बीपी शुगर हार्ट प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल थायराइड मोटापा एक्सरसाइज नहीं करते करतेडेंट्री लाइफ स्टाइल है समथिंग लाइक दैट तब आपका ECG करके पता चल जाएगा उसमें बंडल ब्रांच ब्लॉक है लेफ्ट है राइट है कौन सा है राइट अब इसमें हेमी ब्लॉक भी होता है बंडल ब्रांच हेमी ब्लॉक भी होता है हेमी ब्लॉक के बारे में बाद में बात करेंगे अभी बात कर रहे हैं बंडल ब्रांच लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट क्यों होता है राइट क्यों होता है समझो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक लाइफ बंडल ब्रांच ब्लॉक अलग अलग कारणों से होता है अलग अलग चीजों से हो सकता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक कैन बी बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक कैन बी बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैन बी बिकॉज ऑफ मायोकार्डाइटिस मायोपैथी मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट के अंदर इंफेक्शन हो गया वायरल बैक्टीरियल मायोपैथी मतलब हार्ट की मसल को बीमारी हो गई जैसे वीक हो गई मोटी हो गई स्टिफ हो गई बीमारी फैल गई मायोपैथी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी फैल गई मोटी हो गई तो हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी स्टिफ स्टिफ हो गई हाइपरट्रॉफी में होता है और वीक हो गई तो कार्डियोमायोपैथी कई सारे हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की वजह से भी भी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज हाइपरट्रॉफी हाइपोट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी सो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के सिंपल काजेस है मायोपैथी मायोकार्डाइटिस हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक सिंपल राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के कारण अलग होते हैं राइट बंडल ब्रांच कैन बी बिकॉज ऑफ कंजेइटल प्रॉब्लम बचपन से मान लो कोई एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है कोई राइट हार्ट साइड की बीमारी है राइट right हार्ट में चेंबर का साइज बड़ा है ऐसा है ये एक कारण हो सकता है कई बार दैट कैन ऑल्सो भी बिकॉज ऑफ लंग डिजीज कोई फेफड़ों की बीमारी है लंग्स की बीमारी है सीओपीडी है टीबी है या लंग्स में कोई ब्लड क्लॉट चला गया पलमरी एम्बोलिज्म तब भी हो सकता है या फिर राइट right साइड के हार्ट में मायोकार्ड मायोकार्डाइटिस इन्फेक्शन सिर्फ लेफ्ट में थोड़ी होगा राइट right में भी हो सकता है राइट साइड मायोकार्डाइटिस राइट साइड में हार्ट अटैक भी हो सकता है सो हार्ट अटैक भी हो सकता है राइट right साइड में पलमन बिकॉज राइट साइड में हाई ब्लड प्रेशर योर बॉडीज ब्लड प्रेशर विल नॉट अफेक्ट द राइट साइड ऑफ द हार्ट इट विल अफेक्ट द लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड का हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है तो जहां से ब्लड जा रहा है अगर आगे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है बॉडी में तो लेफ्ट साइड को मुश्किल होगी पंप करने के लिए राइट साइड तो ब्लड पंप कर रहा है लंग्स को तो अगर लंग्स में प्रेशर बढ़ा है लंग्स की बीमारी है तो लंग्स में प्रेशर से अगर वहां पे ब्लड पंप करने के लिए राइट right को मुश्किल होगी तो लंग्स की बीमारी में राइट हार्ट खराब होगा और पूरी सिस्टमिक हाइपरटेंशन में लेफ्ट हार्ट खराब होगा दो हार्ट के सिस्टम्स हैं दो हार्ट चलते हैं राइट right वाला देता है लंग्स को लंग्स से आता है लेफ्ट में लेफ्ट वाला देता है पूरी बॉडी को पूरी बॉडी से वापस आता है राइट right में साइकिल कंटिन्यूस सिंपल तो ये सारे कारण हो गए राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अब रिस्क किसको रहता है जिसकी देखो ऑब्वियसली सबसे बड़ा सबसे बड़ा रिस्क तो उम्र है उम्र ज्यादा रिस्क ज्यादा कोई अंडरलाइंग बीमारी रिस्क फैक्टर मैंने ऑलरेडी बताया बीपी शुगर हार्ट प्रॉब्लम एक्सेट्रा एक्सेट्र जो मैं बता चुका हूं अभी पांच मिनट दो मिनट पहले अगर हो गया तो इससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा अगर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो कुछ केसेस में ये आगे बढ़ सकता है कि ये बंडल ब्रांच ब्लॉक से कंप्लीट ब्लॉक आ जाए राइट right साइड का लेफ्ट साइड का कंडक्शन अपर चेंबर में हो जाए एवी ब्लॉक हो जाए यानी जैसे ये बंडल ब्रांच ब्लॉक है ये नीचे जाने वाली दो में से एक रास्ता बंद है कभी कभी दोनों बंद हो गए तो कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा कंडक्शन सी ए कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाएगा कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या हार्ट ब्लॉक टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री में कुछ भी आ सकता है दैट कैन भी है उसमें चक्कर आ सकता है अगेन सिंकोप जैसा मैंने कहा तो so, सिंकोप हो रहा है तो बंडल ब्रांच ब्लॉक से कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में जाने के चांसेस है तो so, ऐसा नहीं है कि हर केस में होगा लेकिन हमको मॉनिटर करना पड़ता है ईसीजी रेगुलर करना पड़ता है चक्कर आ रहे हैं तो ध्यान देना पड़ता है राइट दैट इज इंपॉर्टेंट इको करके देखना होता है कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम साइज शेप ऊपर नीचे तो नहीं है राइट right? और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए अगेन हार्ट अटैक हुआ है नहीं हुआ है उसके लिए टेस्ट करना होता है डायग्नोसिस so, में एक ईसीजी होगा इकोकार्डियोग्राफी होगा रूटीन ब्लड टेस्ट होंगे और अगर हार्ट की प्रॉब्लम निकलती है तो उसका चेकअप होगा अगर मान लो कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ भी तब जब तक चक्कर नहीं आता जब तक कंप्लीट हार्ट ब्लॉक नहीं हुआ जब तक कोई फेंटिंग नहीं हुई चक्कर नहीं आए कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है जब तक कोई फेंटिंग नहीं चक्कर नहीं सिम्टम फ्री पर्सन जिसको बंडल ब्रांच ब्लॉक है उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए कुछ ना ही हेल्थ एस्पेक्ट तो चाहिए भैया हेल्दी रहना पड़ेगा बीपी शुगर थायराइड उसको कंट्रोल करना है रिस्क फैक्टर कंट्रोल करना है हार्ट को प्रिवेंट करना है प्रिवेंशन करना है मगर ट्रीटमेंट नहीं सर बंडल ब्रांच ब्लॉक है ठीक कर दो नहीं कर सकते हार्ट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक ठीक कर दो नहीं कर सकते यू कैन ट्रीट द पोटेंशियल कॉज ऑफ इट बीपी को ठीक कर सकते हो हार्ट रेट बीपी हार्ट रेट हार्ट प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो नॉट दैट अगर हो गया अगर हो गया चक्कर आ रही दिक्कत आ रही तब क्या करोगे तब फिर अगर सी एच बी हो गया कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया तो फिर पेसमेकर लगेगा या फिर सी आर टी कार्डेक रिसिनक्रोनाइजेशन थेरेपी होती है बाय वेंट्रिकुलर पेसिंग या पेसमेकर लगाया जाता है उस वो करा जाता है जिससे कि आपकी हार्ट की धड़कन बनी रहे ठीक है और कोई चीज़ नहीं कर सकते ठीक है तो ये हुआ काफ़ी चीज सिंपल सा एस्पेक्ट वो उसकी जरूरत रेयरली पड़ती लेकिन नामुमकिन नहीं है तो मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज अबाउट राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक्स अपने सिम्टम्स अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी मेडिसिन अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान दो नहीं समझा तो फिर देखो रिमाइंड करके ऑल राइट और शेयर द वीडियो लाइक द वीडियो बिफोर यू गो थैंक यू सो मच हम डॉक्टर परमजीत इफ यू है थैंक यू